दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल, विराट कोहली और साथ ही साथ रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 52वें महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ बैक टू बैक दूसरा महामुकाबला हारने के बाद रो पड़े हैं गुजरात टाइटंस के युवा कप्तान शुभमन गिल। उसके बाद उन्होंने अपनी हार का ठीक विराट कोहली पर फोड़ते हुए ऐसा कुछ कह दिया है ना कि सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। साथ ही साथ फिर बाद में अपने बयान में हार के जिम्मेदार और किसको ठहराया है, सब कुछ उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल और पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतरीन कप्तान आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। नए हैं तो आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। दोस्तों, आपको बता दें, आईपीएल 2024 बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ गया और अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा है। ऐसे में एक से एक रोमांच सीमाएं पार कर देने वाले महामुकाबले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी कमबैक करके दिखाया और लगातार तीसरा महामुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया और प्लेऑफ की उम्मीदों को बरकरार रखा है। ऐसे में 52वें महामुकाबले में लीग ग्राउंड में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में गुजरात टाइटंस उससे भिड़ी तो उसको पराजय का सामना करना पड़ा। मुकाबले में सबसे पहले तो कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने 147 रन पर सारे विकेट खो दिए, जहां उनकी टीम की तरफ से शाहरुख खान ने सर्वाधिक 37, डेविड मिलर की 30 और राहुल देवदिया की 35 रन शामिल रहे। इसके अलावा कोई खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया। जवाब में उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने होम ग्राउंड पर 152 रन 6 विकेट खोकर 13.4 ओवर बना दिए। 38 गेंद शेष रहते हुए इस महामुकाबले को जीता ही जीता और 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस महामुकाबले में शानदार जीत के बाद अब पॉइंट टेबल में वह 7वें पायदान पर आ गई है और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के अभी प्ले ऑफ में पहुंचने की कुछ उम्मीदें बाकी हैं। तो ऐसे में इस महामुकाबले में बुरी तरीके से हार का सामना कर रहे गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भावुक नजर आए और पोस्ट रिक्वेस्ट प्रेजेंटेशन में बाया बयान जारी किया, जहां उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा कि इस महामुकाबले में हमारी टीम ने जिस तरीके से हार का सामना किया है, हमको नहीं लगता है कि हमारी टीम ऐसा खराब प्रदर्शन भी कर सकती है। मगर यह बात आज सच निकल गई कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और हमारी टीम जिस तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है पिछले 2 सीजन में, वह कमाल कर रहा है। यह हमारे दर्शकों को नहीं भूलना चाहिए कि हम 2 बार के आईपीएल के सीजन में फाइनल में पहुंचे और 1 बार जीते हैं। हालांकि जानता हूं कि पांड्या भाई हमारे साथ नहीं है और कप्तानी में बदलाव के बाद मुझे कप्तानी सौंपी गई, तो कहीं ना कहीं हमारी टीम को इस साल असफलताओं का सामना करना पड़ा है। यह हमारी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु क्लब बैक टू बैक दूसरी हार रही। कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा कि अगर हमको किसी भी टूर्नामेंट को जीतना है तो टीम वर्क जरूरी है। हमारी टीम में कुछ कमियां हैं, वह कमियां सबसे बड़ी हैं कि हमारी गेंदबाजी स्पेशल जो मानी जाती थी वह चल नहीं पा रही है। खुद मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार हूं कि मैं अपने टॉप ऑर्डर में जो पिछले 2 सीजन में अच्छी बल्लेबाजी करके अपनी टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने में सफल रहा था, जो इस साल मेरा बल्ला नहीं चल पाया है, तो कहीं ना कहीं मुझे अपनी गलतियों पर देखना होगा और मैं अपने आप को जिम्मेदार सबसे बड़ा मानता हूं। मगर हार के दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई है तो वह कोहली भैया और फाफ डु प्लेसिस हैं। उनको मैं गलत नहीं कह रहा हूं, उन्होंने अपनी टीम के लिए सही किया, मगर वह जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं उनके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है। मौजूदा समय में वह ऑरेंज कैप होल्डर है और आप उनके प्रदर्शन से उम्मीद लगा सकते हैं कि वह इस साल अपनी टीम को फाइनल तक भी ले जा सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने पिछले 3 महामुकाबले जीते हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा, खासकर कोहली भैया की बल्लेबाजी की टेक्निक की। वह अब आक्रामक रूप में बल्लेबाजी का रुख अपना चुके हैं और जो कि उनके बल्ले से अक्सर नहीं देखा गया था। चेजिंग कैपेसिटी के लिए मशहूर वह हैं, उन्होंने आज करके भी दिखाया। फाफ डु प्लेसिस कप्तानी की तारीफ करूंगा, साथ में आज बल्लेबाजी में जिस तरीके से उन्होंने 23 गेंदों में 64 रन की पारी खेली, वही सबसे बड़ी जिम्मेदार रही कि हमको हरा कर चली गई। ऐसे में हमको अपनी गलतियों से सीखना होगा, मिस फील्डिंग पर ध्यान देना होगा और टीम का कॉम्बिनेशन बनाना होगा कि हमारे सभी खिलाड़ी अच्छे से मिलकर खेलें, जिससे हम आने वाले समय में जीता दिल करके प्लेऑफ तक पहुंचे। मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं अपने दर्शकों की उम्मीदों को ना तोड़ूं और अपनी टीम को जिताकर प्लेऑफ तक पहुंचाऊंगा और मैं अपने 100% हमेशा तक देता रहूंगा। मैं तभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने समर्थन बनाए रखा और हम पर भरोसा रखा। दोस्तों, शुभमन गिल का यह तो शानदार बयान है, मगर आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस की हार का मुख्य वजह क्या है? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।